बताओ कक्षा नाइन नाइन के बच्चे हैं सब। चलिए आज अपन पढ़ेंगे और सब नोट करेंगे, सारे बच्चे ध्यान दें, नोट करेंगे, सारे बच्चे दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है? तैयार है सब पढ़ने के लिए? राह चलाए, तैयार है? एमपीएस रीवा, रीवा के बच्चे बताएं, तैयार है? पिछले चतुर्भुज पढ़ाया था मेरे को, सब लोग जानते हैं कि मैंने क्लास ली थी पिछली क्लास में, हाथ हिला के बताएं। पिछली क्लास में रीवा रीवा वाले बच्चे बताएं, पिछली क्लास में चतुर्भुज पढ़ के पढ़ा था किसी ने? रीवा कोई भी बच्चे बात कर लो, कोई भी पास में माइक रखो। क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है? और पास करो माइक। हेलो, क्या नाम है? हाँ तो ये बताओ, यहाँ से जो पढ़ा रहा है वो समझ में आता है कि नहीं? समझ में आता। नोट कर रहा है, लिख रहे हो? लिखते हो? अच्छा लगता है कि नहीं पढ़ाना? ठीक है, चलिए अभी क्लास चालू कर रहे हैं और सारे बच्चे ध्यान दें कि जो टॉपिक है वो बहुत कम है उसमें नंबर का, परंतु ज्ञान होना जरूरी है कि समानांतर चतुर्भुज चतुर्भुज ये है ना? चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और कोई बच्चे को बात करना है क्या पीछे रीवा? बोर्ड दिख रहा है सबको? ठीक है, सामने जाओ। माइक ओपन करो, माइक ऑन करो। और पास में करो माइक को, जोर से बोलो, जोर से बोलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ आपकी आवाज आ रही है, बच्चे की आवाज कुछ ऐसा डर रहा है, कुछ ऐसे डरे ना अपन भोपाल में, बच्चे बिल्कुल ना डरे, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़े। सर क्या बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं आप, कुछ कह रहे हैं ना सर? बच्चे हमारे बड़े संतुष्ट हैं। अच्छा अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। गणित जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर, ध्यान से सुन रहे हैं सर, बहुत बढ़िया। पूरे पूरे मध्य प्रदेश में यहाँ से दिखता है, सारे बच्चे अच्छे बैठते हैं आपके आगे, और भी स्कूलों के सारे बच्चे ध्यान दें, जैसे रीवा के बच्चों को संतुष्ट होते हैं ऐसे सारे बच्चे संतुष्ट रहे, हम लोगों का प्रयास यही है। चलिए नरसिंहपुर सावर पाटन की लड़कियां माइक पे बात करें, नरसिंहपुर की लड़कियां जो आगे बैठी है, नरसिंहपुर की लड़कियां ध्यान दें, क्लास चालू कर रहा हूं मैं और सारे बच्चे नोट जरूर करेंगे, ठीक है? नोट करने से क्या होता है, तुम्हारा समय खराब नहीं होगा और घर जाके ये पाएंगे कि जो वर्चुअल क्लास भोपाल से चलाई जाती है उसमें हमने आज क्या पढ़ा है और क्या टॉपिक था, क्या करना है, जरा ध्यान दें। हमारा जो आज का टॉपिक है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल, अध्याय 9 है, और समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल में
जो आपको पढ़ना है उसकी भूमिका हम पिछले तीन क्लासों में आपको चतुर्भुज पढ़ा पढ़ा दिया है और उसमें अब आपको क्षेत्रफल का आपको निकालना है, उसी में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। परंतु उसके सबसे पहले हमें चतुर्भुज और त्रिभुजों के बारे में जानकारी आपको पता है, ठीक है। तो इसका सबसे पहला प्रश्न सारे बच्चे नोट करें, सारे बच्चे नोट करेंगे कि इस ब्लूप्रिंट में इस चैप्टर में से दो नंबर का प्रश्न आना है और दो नंबर के प्रश्न को हमको कैसे सॉल्व करना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न जो हो सकता है दो नंबर का प्रश्न है वो आपको ये हो सकता है कि सर्वांगसम आकृतियों में से उसका क्षेत्रफल बराबर होता है, तो हम सर्वांगसम की आकृति को लिखने का तरीका क्या है वो हमको पता होना चाहिए कि आर्क, ये आर ए, देखे जरा ध्यान से, एरिया एरिया ऑफ ए और एरिया ऑफ बी, ये स्मॉल है तो अपन यहां पर कैपिटल ए ले लेंगे, आर इक्वल टू आर बी। ये पहली कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी हमारे पास एरिया ऑफ ए और एरिया ऑफ बी इनका क्षेत्रफल बराबर होगा तो हम वो ऐसे लिखेंगे, एरिया ए एरिया बी, नंबर वन। नंबर दूसरा है एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित आकृतियों का उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ आधार। उभयनिष्ठ आधार क्या होता है, जैसे एक ये रेखा खींची, एक ये चतुर्भुज बना, एक ये चतुर्भुज बना, ये चतुर्भुज बना, चार घिरी आकृतियों से चतुर्भुज बना है, हम ये लिख देंगे ए बी सी डी, कोई रटने का काम नहीं है, बच्चे लोग ध्यान दें। यहां पर एक बिंदु पी ले लिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। अब सारे बच्चे ध्यान दें, सबको आवाज क्लियर समझ में आ रही, जरा हाथ हिला के बताए, ये चित्र स्पष्ट दिख रहा है सबको बोर्ड पे, जरा हाथ हिला के बताए, दिख रहा है सबको। अब आपको क्या करना है कि इसमें उभयनिष्ठ आधार था है, एक चतुर्भुज बना है, जरा ध्यान से देखे, ये मैंने मोटी लाइन कर दी, ये एक चतुर्भुज हो गया, ठीक है, इसके अंदर एक त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज है। चैप्टर का नाम क्या है, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज भी होना चाहिए, त्रिभुज क्या हुआ ये लिखो, त्रिभुज ए पी बी, ये देखिए ए पी बी ये त्रिभुज है मैंने लिख दिया, और समांतर चतुर्भुज कौन सा हो गया, ए बी सी डी, ए बी सी डी ये हो गया। अब दोनों में देखो, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में ये ए बी कॉमन है और यहां पर इसमें पूरे में ए बी कॉमन है। आप कहेंगे नहीं सर मुझे तो कुछ बदल के बताइए, क्योंकि मैथमेटिक्स रटने का काम नहीं होता है, मैथमेटिक्स समझने का काम होता है। आपको इसमें एक त्रिभुज दिख रहा है, चतुर्भुज डी पी बी ए, देखो ए डी कुछ भी लिख लो, बच्चे लोग रटना नहीं है, ए बी पी डी ये लिख लिया। अब मेरे सामने हजार बच्चे बैठे हुए हैं, सब बच्चों का दिमाग एक सा नहीं होता है, अगर सबका एक सा होगा तो सबके नंबर एक से आ जाएंगे, इसलिए कुछ बच्चे क्या करेंगे इसको मस्ती के रूप में दे देंगे, क्यों सर ने ये वाला ले लिया, ये ले लिया, क्यों हम ये लेके देख लें, चतुर्भुज ए पी सी बी, ए पी सी बी ये ले लिया, ए पी सी बी मतलब ए बी सी पी, ये भी लिख सकते हैं कोई रटने का काम नहीं है, ए बी सी बी, ये कुछ बच्चों ने ये ले लिया। अब ये भी चार चार रेखाओं से घिरी है, ये तो ये कॉमन आ रहा है कि नहीं, तो ये उभयनिष्ठ आधार होता है, चाहे आप इस वाले चतुर्भुज से ले लें, चतुर्भुज से ले लें, दोनों चतुर्भुज के आधार समान है, इसलिए एक उभयनिष्ठ आधार, एक समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के बीच में जो एक उभयनिष्ठ आधार होता है वो आपको ये दिखाना पड़ेगा। जरा बताएं सारे बच्चों समझ में आया कि नहीं, जरा बताएं कोई रटना है क्या, कोई बच्चे ये कहेंगे नहीं, ये और ये
ये मैंने बना दिया ए बी पी और डी, ये एक चतुर्भुज बना है, इसी के बीच में एक त्रिभुज बना है आपने, ये बना है त्रिभुज ए बी पी। तो देखो ये चतुर्भुज है और ये त्रिभुज है, दोनों का आधार सेम है, इसलिए आपको उभयनिष्ठ आधार ये होता है। कुछ बच्चे सबसे ले लेंगे, ये बन गया, तो ये चतुर्भुज बन गया और ये त्रिभुज है, दोनों का आधार सेम है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। मुख्य बिंदु हमारा यही है, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफलों के उभयनिष्ठ आधार क्या होते हैं। दूसरा आप देखेंगे कि एक ही आधार क्या होता है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच, क्या बोल रहा हूं मैं जरा लिख लें, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब यहां पर आपको कौन सी कंडीशन मिल गई, क्षेत्रफल की। अभी हमने उभयनिष्ठ आधार की बनाई थी, अब आपको बनाना है एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ठीक है, आपको पता है। इसके बाद क्योंकि इसमें दो नंबर का प्रश्न आता है, आप लोगों को मुख्य मुख्य बिंदु इस तरीके से पता है कि ये नोट कर लो। फिर एक कंडीशन तीसरी कंडीशन लिखो, बोर्ड पे लिखना है क्या, इसको बोर्ड पे लिखना, लिख लिया सबने, ये बताएं, एक ही आधार, देखो ये अपन ने बताया था एक ही आधार, प्रश्न उसी नहीं है, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता, वही का वही विलोम कर दिया है, उल्टी बात लिख दी है, ठीक है। तीसरी बिंदु आपका होता है, वो मेन पॉइंट है आपका, क्या लिख लो जरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से आधा होता है, ऐसा प्रश्न आ गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये लिखा, त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से खाली स्थान होता है। मैंने आपको बताया था खाली स्थान में कभी किसी मैथमेटिक्स के पेपर में उत्तर नहीं आते, इसलिए आपको वो चीज नोट करना है जो वर्चुअल क्लास के माध्यम से आपको लोक शिक्षण के द्वारा जो चलाई जा रही है, उसमें वो हॉट स्पॉट पॉइंट जो आपकी कमी को दूर करें, इस चीज को आपको देखना है। यहाँ पर उसका आधा एक बटे दो कुछ लोग लिख देंगे आधा, अगर हम इसी को सत्य सत्य जैसे टू फॉल्स में देना चाहते हैं तो ये पूरा का पूरा लिखा जाएगा, आधा होता है तो आप यहाँ पे सत्य भी लिख सकते हैं ये, क्योंकि उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है दो नंबर का, आपको पता होना चाहिए कि इतना बड़ा हमारे पास टॉपिक दिया हुआ है, हम पिछली तीन क्लासों में आपको चतुर्भुज के बारे में पूरा ज्ञान पूरा देते हुए आए कि शीर्ष समलंब सब जो भी उसकी कंडीशन होती है हम उसके बारे में आप चुके हैं, एकांतर कोण सम्मुख कोण ऐसे आपको पता है। तो कुछ प्रश्न हम आपको यहाँ से बता रहे हैं वो निकालना। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एक सवाल हमने पिछली बार कराया था 5, 7, 9, 13 वाला, आप लोगों ने किया होगा, वो भी सवाल आपका दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणित शीर्ष लंब, क्या होता है आधार गुणित शीर्ष लंब, ये आधार भी दिया होगा शीर्ष लंब भी दिया होगा, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, ऐसे लिखिए आप वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग भी एक चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो सकती हैं, ये जिसकी ये भुजा है अगर आपके पास 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर,
वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, वर्ग में भी चार भुजाएं होती हैं, परंतु इसको हम चतुर्भुज नहीं बोलेंगे क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसका सूत्र हो जाएगा भुजा भुजा, मतलब भुजा गुणित भुजा, ये होता है, या भुजा का वर्ग होता है। ये एक भुजा सेंटीमीटर, आप ध्यान दें सारे बच्चे, जहां पर सेंटीमीटर और मीटर, बहुत सारे बच्चे इकाई में गलत करते हैं, हम लोग हजारों कॉपी चेक करते हैं और बच्चे यूनिट नहीं लगाता, इकाई नहीं लगाता। उस इकाई को लगाने के लिए आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर सेंटीमीटर दिया है, ये सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल में दो भुजाएं होती है, सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर, इसलिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर का ये वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ लोग वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे तो ये हो जाएगा। किस तरीके से आप लिखना है, सेंटीमीटर का वर्ग या वर्ग सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर क्षेत्रफल की जगह हमारे पास कोई आयतन आ जाए, आयतन, तो उसमें एक सेंटीमीटर और बढ़ जाएगा। सारे बच्चे ध्यान दें, इकाई पर नंबर कट जाता है, जो मैथमेटिक्स के टीचर होते हैं जिसमें कोई इकाई नहीं लिखी होती है, तो उससे एक नंबर कट जाता है और उसके फिर नंबर पूरे में से पूरे नहीं आ पाते हैं। इसलिए जो ज्यामिति के सवाल है, कहीं पर आपको 5 सेंटीमीटर, अगर एक जगह मीटर भी लिखा रहता है, कोई सवाल में उसने सेंटीमीटर की जगह मीटर दे दिया, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मीटर दे दिया तो मीटर गुणित मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, ये मीटर का स्क्वायर या वर्ग मीटर। ये देखिए दो टाइप के होते हैं, ये जब किसी सवाल में ये सीएम सेंटीमीटर लिखा है, सेंटीमीटर लिखा है, तो इसके उत्तर में वर्ग सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अगर सी हटा दें यहाँ से तो ये प्रॉब्लम बन जाएगी मीटर की, तो मीटर और वर्ग मीटर ऐसे लिखना। आयतन आ जाएगा तो घन सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर और बढ़ जाएगा, क्योंकि आयतन में तीन भुजाएं होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और क्षेत्रफल में दो भुजाएं होती है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। जरा बताएं, समझ में आ रहा है बच्चे लोग, जरा लिख रहे हैं सारे बच्चे, लिख रहे हैं जय स्तंभ गुना लिख रहे हैं सारे बच्चे, 9th क्लास के हैं आप, छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल आप ध्यान में रहे कि हमारे को कोई भी गलती ना हो। सबके नाम बोलूंगा, लगभग 86 स्कूल कनेक्ट है, इसलिए आपसे सबको समझ में आ रहा है तो जोरदार हाथ चला के बताएं। आ रहा है मुरैना के बच्चे, पोरसा मुरैना, सीहोर नसरुल्लागंज सीहोर, समझ में आ रहा है, कटनी बीटी कटनी, ये जबलपुर के बच्चे दौर क्यों लगा रहे हैं, मझोली जबलपुर, ये मझोली जबलपुर में कई बच्चे बहुत उदम हो रहे थे, और कल हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब ने भी टच किया था, राय तिवारी सर जो इस वर्चुअल क्लास के डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनने मझोली वाले बच्चों को भी बोला। आप ध्यान दें, क्लास में दौड़ लगा रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ पूरा मध्य प्रदेश आपको देख रहा है इस वर्चुअल क्लास के माध्यम से, तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है क्या। जरा मझोली के बच्चे माइक खोल के बात करें, क्योंकि मेरे को यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा डिस्टर्बेंस होता है आपको देख के, इसलिए मझोली के बच्चे ये दौड़ क्यों लगा रहे हैं बीच में, मझोली के कस्टोडियन टीचर से बात करा दो, मझोली के कस्टोडियन टीचर से बात करा दो, पूरे लोग देखते हैं और आपकी वजह से 87 स्कूल से डिस्टर्ब होता है, 88 कनेक्ट है इस वक्त। अच्छा नहीं लग रहा, जरा हाथ कर बताएं, जरा अच्छा लग रहा है कि जरा हाथ चला के बता सबको क्लास, फिर क्यों मस्ती कर रहे हैं आप लोग को। यहाँ से हम लोग वो चीज बताते हैं कि वो आपकी गलतियां, जो आपको मैथमेटिक्स में जो छोटी छोटी बारीक गलतियां होती हैं, वो गलतियां ना हो, क्योंकि हम लोग जब मैथमेटिक्स का वैल्यूएशन कराते हैं तो उसमें वो बच्चे गलती करते हैं, इन गलतियों को दूर करने के लिए आपको वर्चुअल क्लास के माध्यम से बता रहे हैं। वैसे तो आपकी क्लास में मैथ्स के टीचर पढ़ा ही रहे टॉपिक, परंतु कुछ स्पॉट ऐसे होते हैं जहां आपको हम यहां से दूर करने का प्रयास करेंगे। आई बात समझ में, वही चीज मैं यहां से पढ़ाता हूं, और बच्चों को मेरे मोबाइल नंबर पर बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, मैं उनको उत्तर दे रहा हूं, इसलिए आप ध्यान दें, है ना, इसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़े, और ये अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रहे। अब
एक प्रश्न उठता है मध्यिका, मध्यिका हम ज्यामिति वाली मध्यिका की बात कर रहे हैं, आपको सांख्यिकी की मध्यिका अलग होती है, मध्यिका उसको आजकल नाम बदल दिया मध्यांक। अब यहाँ पर जब मध्यिका की बात करते हैं तो एक त्रिभुज बना लिया, ये त्रिभुज बना लिया ए बी सी और इस पे एक लंब डाल दिया डी, कोई रखने का काम नहीं है, आपने लिखा है ए बी सी, तो जो ये मध्यिका का काम करेगा ए डी मध्यिका कहलाएगी और वो लंब हो जाएगा बी सी पर। अब सारे बच्चे ध्यान दें, कोई भी क्वेश्चन याद नहीं किया जाता, कोई कह रहा नहीं सर मैं तो बी से इस पर मध्यिका डालना चाहता हूँ, ई डाल दो, कोई रखने वाला काम नहीं है। अगर आपने ए से डी पे लंब डाला है तो बी से ई पे लंब डाल दो, यहाँ हो जाएगा बी ई लंब ऑफ ए सी, ये हो जाएगा, तो बी मध्यिका का काम करेगा। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कोण कैसे लिखते हैं और त्रिभुज कैसे लिखते हैं, इनमें सारे बच्चे गलती करते हैं। कोण लिखने का तरीका ये होता है ए डी बी, ये देखिए मैंने ये कोण लिया ए डी, ये 90 डिग्री का है, बीच में जो कोण लिखा है उसको कोण ये लिखते हैं, इसी को त्रिभुज के रूप में लिखना। सारे बच्चे ध्यान दें, ये गलती बहुत सारी होती है, कहाँ पर कोण लगाना है कहाँ पर त्रिभुज लगाना है, इसलिए इस त्रिभुज को लगाने के लिए अगर आपने इस कोने पे ले लिया त्रिभुज हो जाएगा ए बी और डी, ये त्रिभुज हो जाएगा ए बी डी, ये समझ में आया। तो ये तरीके आपको पता होना चाहिए, प्रॉब्लम तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, परंतु जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं उनको आप सॉल्व करने का यहाँ से वर्चुअल क्लास होता है, इसलिए आप ध्यान दें, ठीक है। और यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, आप जानते हैं, अगर कोई बच्चे इधर से लिख देंगे तो ये हो जाएगा कोण ए डी सी, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। डिग्री का निशान मैंने तुम्हें पिछली 4-5 क्लासों में बताया है कि 90 डिग्री, डिग्री का निशान कुछ लोग दशमलव जैसे लगा देते हैं, वो नहीं लगा होना चाहिए, है ना। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को व्यक्त कर सकते हैं इस तरीके से। अब इसमें लिखिए आयत, आयत के लिए लिखिए सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, जब मैंने सामान्य चतुर्भुज में बताया था, आयत क्या है, आयत भी एक चतुर्भुज है, ये देखिए चार भुजाएं, ये चार भुजाएं, ये चार भुजाएं, ये चार भुजाएं, ये सम्मुख भुजा है, ये सम्मुख भुजाएं आमने सामने होना चाहिए, ये आयत कहलाता है, ठीक है। समझ आ रहा है, आयत, आयत में लिखेंगे कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, नंबर वन विकर्ण की लंबाई समान होती है, नंबर दो, नंबर तीन विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, किसी भी आयत की तीन शर्त से ज्यादा, और चौथी आप जानते हैं कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो आयत की कितनी शर्त हुई है, चारों शर्त लिख लो, नंबर एक सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, नंबर एक सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, नंबर दो विकर्ण की लंबाई समान होती है, नंबर तीन विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, और नंबर चार प्रत्येक अंतर कोण 90 डिग्री का होता है। ये आयत की चार कंडीशन होती है, कोई भी आयत का सवाल आए ये चार कंडीशन आप लगा दें, आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कौन कौन सी बोर्ड पे लिखने की जरूरत है, क्या क्लियर समझने की जरा बताएं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है नंबर वन, नंबर दो विकर्ण की लंबाई समान होती है, यहाँ से विकर्ण ये डाला और यहाँ से ये विकर्ण डाला, ये विकर्ण की लंबाई समान होगी आयत में, क्यों, क्योंकि सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं कौन सी हो गई, आपने कहा है चित्र में बता दो, ए बी सी डी, ए बी सम्मुख भुजा बराबर सी डी, ये ए बी भुजा है, ये सी डी भुजा है, सम्मुख भुजा है, विकर्ण क्या हो गए, ए सी विकर्ण हो गए और बी डी विकर्ण हो गए, ये सम्मुख भुजा है, ये विकर्ण है, और समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित मतलब इसके बराबर हो जाएगा, या ओ डाल दो, मतलब ए ओ बी सी ओ डी त्रिभुज, ए ओ बी त्रिभुज ए सी ओ डी, ये समद्विभाजित, समान दो भागों में विभाजित करना ही समद्विभाजित कहलाता है। और चौथी कंडीशन क्या है, आयत के अंतर कोण, ये सारे कोण 90 डिग्री के, तो ये चारों चीज समझ में आ गई,
मैंने एक ही चित्र में चारों चीज बताने का प्रयास किया है, एक आयत के अंदर और वर्ग में। मैंने सबसे पहले आपको यह वर्ग बताया था कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग की कौन सी कंडीशन होती है? नंबर वन, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें आयत में दो भुजाएं सम्मुख होती हैं, वर्ग और आयत वर्ग में क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है। अंतर समझना, अंतर अंतर क्या है? वर्ग में चारों भुजाएं बराबर है, ये देखो यहाँ, ये पांच, ये पांच, ये पांच, ये पांच, सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो, ठीक है। अंतर कोण समकोण होता है, इसके अंतर कोण कभी समकोण होते हैं 90 डिग्री, ठीक है। विकर्ण की लंबाई भी समान होती है, ये विकर्ण की लंबाई समान होती है, फिर और विकर्ण परस्पर इसमें 90 डिग्री पर काटते हैं, ये 90 डिग्री पे काटते हैं, ये वाला कोण, ये कोण 90 डिग्री पे काटते हैं। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, हमारे पास आयत तो वर्ग में केवल एक ही डिफरेंस होता है। हम कंपेरिजन तुलनात्मक स्टडी इसलिए पढ़ना चाहिए कि हम चार भुजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चार भुजा समांतर भी होती हैं, वर्ग भी होती है, आयत भी होती है, इसलिए इन तीनों का सम्मान सिर्फ लेते हुए कि वर्ग में ये होता है, आयत में ये होता है, ऐसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सारे बच्चे बताएं, जो चीज आपने अभी तक लिखी है सबने लिखी है कि नहीं, पीछे तक बताएं हाथ चला के, लिखी है कि नहीं, सबने नोट किया है, सबको समझ में आया है। कल अगर मेरी अगली क्लास जो होगी उसमें आपको एक बहुत शानदार टॉपिक आएगा, वो टॉपिक आपको बड़ा इतना मजा आएगा कि आप, इतना कठिन है और बहुत सरल तरीके से मैं आपको समझा दूंगा जो अभी मिलने वाला है तो अगली क्लास में। आप ध्यान दें कि उस टॉपिक को और इस टॉपिक में, चतुर्भुज में और समांतर चतुर्भुज में और त्रिभुज के क्षेत्रफल में, टोटल मिला के आपके सामने 6 नंबर का आएगा। इन 6 नंबर में आपके प्रश्न जो बनते हैं वो मैंने आपको पूरी तरीके से प्रयास किया है, और हम आगे भी आपको ऐसे प्रयास करेंगे कि जो आपकी मैथमेटिक्स में गलती ना हो, क्योंकि गणित को सब लोग बहुत कठिन बोलते हैं और मैं गणित को बहुत आसान तरीके से आपको सरल विधि से ये प्रयास कर रहे हैं कि आप ये नोट करें, ये कोई नटने का नहीं है, ऐसा बना के एक ऐसा टॉपिक अपने घर पे लगा लो एक सीट पे कि आयत में ऐसा होता है, वर्ग में ये होता है, त्रिभुज की मध्यिका ये होती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, ऐसी एक सीट आप घर में जब आप कहीं फ्री टाइम में दीवार पर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा होता है, इस चैप्टर में ऐसा होता है। हर चैप्टर की समरी बनाकर आप रखेंगे, आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसे नहीं कि हम करके देखे और 4 दिन बाद फिर भूल गए, नहीं, आपको उसको प्रैक्टिस करना चाहिए कि हम आजिया क्लास को और वर्ग और आयत और हमने 8 दिन बाद पढ़ा तो भूल गए, तो इसलिए आप लोग इसको एक शीट पे लिखें, और इस शीट पे लिखने के लिए आप व्हाइट शीट लें और अपनी दीवार जहाँ पढ़ते हो वहां पे लगा दिया कि इस चैप्टर में श्रीवास्तव सर ने ऐसा बताया था कि इसको ऐसा करना, इसको ऐसा करना, ऐसे करेंगे तो आपके हर टॉपिक के जो 10 टॉपिक होते हैं 10 टॉपिक का आपका सीट बन जाएगी, और आप पढ़ेंगे तो आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उससे आपकी मैथ तैयार हो जाएगी। सवाल तो आप कर ही लेंगे, परंतु उसके अंदर की जो समरी होती है, जो अंदर की छोटी छोटी गलती होती है, उस पर आपको ध्यान देना है। अरे बच्चे भी 9th क्लास में है, 12th तक आप कौन कौन सा सब्जेक्ट लेगा, कौन सा लेने का मन हुआ, कुछ लोग गणित के भय से डर जाए, इसलिए गणित को आसान बनाने के लिए आपको ये विधि बता रहा हूँ मैं। अगर जो सक्सेस हो गए करने से आपको बड़ा मजा आएगा, बिल्कुल करिए, ऐसा टॉपिक बनाइए, है ना। देखिए, अगर मेरे हिसाब से 1-2 प्रश्न और लिख लीजिए, समान भुजाओं वाले समानांतर चतुर्भुज को क्या कहते हैं? अब प्रश्न आ गया, प्रश्न है समान भुजाओं वाले समानांतर चतुर्भुज को क्या कहते हैं। अब अभी आपको उत्तर मिलेगा कि समान भुजा तो यही थी, ये इसको घुमा के दे दिया मैंने कि समान भुजा वाले, लिख रहा है समान भुजा वाले समानांतर चतुर्भुज को क्या कहते हैं, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे वर्ग। घूम गए, हम वर्ग की परिभाषा ऐसे नहीं पूछेंगे कि चारों भुजाएं बराबर होती है उसको वर्ग कहते हैं, प्रश्न घूम गया। हमको वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है कि समान भुजा वाले समानांतर चतुर्भुज को क्या कहते हैं, तो हम उसको बोल देंगे
सम चतुर्भुज, और वर्ग इसलिए भी बोल सकते हैं कि अगर उसकी भुजा चारों बराबर हैं, ये वर्ग कहते हैं सम चतुर्भुज, समान भुजाओं वाले समानांतर चतुर्भुज लगा हुआ है, समान चतुर्भुज, ये समानांतर चतुर्भुज लगा हुआ है, इसलिए ये अगर चतुर्भुज नहीं होता, ये प्रश्न में आप देखिए समान भुजा वाले ये समानांतर चतुर्भुज को अगर समानांतर चतुर्भुज हटा देंगे तो वो वर्ग बन जाएगा, समानांतर चतुर्भुज आ गया है इसलिए ये सम चतुर्भुज हो जाएगा, सम मतलब समान का सम आ जाएगा और सम चतुर्भुज हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। और अगर समान समान भुजा वाला अगर पूछते हैं, केवल समान भुजा वाला पूछते हैं क्या आएगा तो उसको वर्ग कहेंगे। दो प्रश्न बन गए यहाँ पर, समान भुजा वाला भुजाओं से बनी आकृति को क्या कहते हैं, और समान भुजा से समानांतर चतुर्भुज लगा होगा तो उसको सम चतुर्भुज कहते हैं। प्रश्नों में शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान दें कि समान भुजा वाले समानांतर चतुर्भुज को क्या कहते हैं, तो हम उसको बोलेंगे सम चतुर्भुज, और समान भुजा वाले आकृति को क्या कहते हैं तो उसको बोलते हैं वक्र, वर्ग 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 स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। हाँ, कोई बच्चे बात करना चाहते हैं मेरे से? ग्वालियर डबरा, डबरा के बच्चे बताएं, समझ में आ गया? ग्वालियर डबरा समझ में आ गया? मझोली, मझोली जबलपुर, मझोली जबलपुर के बच्चे बताएं, पीछे सबसे पीछे जो बच्चे बैठे हैं उनने लिखा है, सबसे पीछे जो बच्चे बैठे हैं वो बताएं, मझोली जबलपुर के उनने लिखा है। धार, धार के बच्चे बताएं, दही धार। आस्था सीहोर, कोई बात करो, बात करो, हम लोग यहाँ से आप लोग को समझ में आता है जो हम लोग कुछ अच्छा एक बार बताओ, मैंने पिछली क्लास में आपसे बोला था कि इस चैप्टर को पहला पेज कौन कौन पढ़ के आ, जरा हाथ हिला के बताएं। समानांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल का पहला पेज आपने किताब का पढ़ा है, अध्याय 9। मैंने पिछली क्लास में तुम्हारा बोला था कि आप लोग पढ़ के आए, कौन पढ़ के आया है, आए पढ़ के बताओ उसमें। दो पुत्रियां हैं कि तीन पुत्र हैं, कौन ने पढ़ा है, जरा खड़े करो। सर डबरा ग्वालियर के बच्चों से बात कराओ, सर डबरा ग्वालियर के बच्चे, मैंने बोला था कि अध्याय 9 का पहला पेज पढ़ के आना है, मेरी क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, इसके बाद आपको अंग्रेजी की क्लास लगेगी और अंग्रेजी क्लास में आप नेटवर्क में आ जाएंगे, है ना। ये मझोली जबलपुर के बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, क्यों उधर कर रहे हैं ये, कोई कस्टोडियन टीचर नहीं, इससे पूरे लड़ रहा है तुम लोग, हैं पूरा एमपी देख रहा है। मझोली, मझोली जबलपुर, तुम्हारे कस्टोडियन टीचर आतिश कहाँ है, आतिश पिछले साल आतिश तो वो कहाँ है, वो ये क्या हो रहा है, पूरे बच्चे देख रहे हैं तुमको। मझोली जबलपुर कस्टोडियन टीचर को बुलाएं, मझोली में ये कोई टीचर नहीं है क्या, जयस्तम गुना, बच्चे बात करो जरा बेटा माइक चालू करके, जयस्तम गुना, गुना वाले बच्चे बात करेंगे, रायसेन सांची, सांची रायसेन के बच्चे, समझ में आ गया, कहाँ है तुम्हारे टीचर, कहाँ है कस्टोडियन टीचर, कहाँ है
साकी राशन। हाँ सर, बात कराओ जरा। साकी राशन में विजय श्रीवास्तव एक्सलेंस विदिशा से हूँ और साकी मेरे पास में ही है, इसलिए मैं बात करना चाहता हूँ। समझ में आया कि नहीं? कोई तो बच्चे बोलो, टाइम हो रहा है। माइक चालू नहीं है क्या? आवाज सबको क्लियर आ रही है? जरा हाथ चला के बताएं, आवाज सबको क्लियर आ रही है? अच्छा, जो पढ़ाया सबको समझ में आ रहा है? हाथ चला के बताओ। चलिए, अब मैं यहाँ से, मैंने पहला पेज जो भी यहाँ से निर्देश दिए जाते हैं आपको पढ़ाने के, वो पढ़ के आया करो। आप लोगों को यहाँ से कुछ भी नहीं मिलने वाला कि अच्छा, अगर हम यहाँ से पढ़ाते जाए और आप लोग नहीं लिखेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। आपको यहाँ से जो पढ़ाया जा रहा है वो आपकी कॉपी पे नोट होना चाहिए। और जो ऐसी मस्ती कर रहे हैं ना, अभी भी आशीष ये मजोली जबलपुर के जो कस्टोडियन टीचर हैं, वो यहाँ पर आप संभालें अपनी क्लास को। पूरे बच्चे उदम कर रहे हैं और पूरा एमपी आपको देख रहा है, इसलिए जितने भी 92 स्कूल कनेक्ट है वो आपको देख रहे हैं। तो कस्टोडियन टीचर जो भी है उनको, या प्रिंसिपल मैडम हो या प्रिंसिपल सर, उनको आप जिसका भी पीरियड हो उसमें आप बिठलवाइए, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब होती है तो हम लोगों को यहाँ से पूरा बड़ा स्क्रीन से दिखता है तो पढ़ाने में हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर भी हम प्रयास करते हैं कि हम लोग डिस्टर्ब ना हो, परंतु क्लास में ऐसा लगता है कि टू वे सिस्टम है। तुम भी बात कर सकते हो हमसे, बीच बीच में प्रश्न पूछ सकते हो अपना माइक ऑन करके। तो आपको हमें पूछने का मौका दे रहा हूँ तो क्यों नहीं आप बात करना चाह रहे? डर लग रहा है क्या? मैं तो भोपाल में हूँ। चलिए विजय सर का सबको नमस्कार, और नेक्स्ट क्लास जब आपकी होगी जब फिर मिलेंगे। दीपावली की सभी को शुभकामनाएं। दीपावली के बाद अब क्लास में मिलेंगे, इसलिए मेरी क्लास जब होगी। धन्यवाद। तो नेटवर्क धन्यवाद।